देखो इधर देखो सर, तो गाइस ये हम लोग सिकारी चल पहुंच चुके हैं। कितना दूर पड़ता है बस यहाँ से? 2 किलोमीटर। तो गाइस सिकारी चल से हमारा 2 किलोमीटर पड़ता है गाइस। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठंडा फैलाते हैं, देख रहे हैं ठंडा फैल पड़ रहा है। चलिए हम लोग जाके और देख ले वहाँ क्या होता है क्या क्या। और हम लोग मुकामा पचमला पहुँच चुके हैं। मुकामा पचमला पहुँच चुके हैं गाइस। और हम लोग और हम सभी लोग लखनचंद प्रवेश कर गए हैं। लखनचंद में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं सिसौनी की तरफ। बस हम लोग सीआरपी गेट पहुंच चुके हैं। सीआरपी यहाँ अंदर कमा लगा सर, बड़ी ब्रेकर उड़े खड़े हो। हनुमान मंदिर गाइस इस बार हम लोग सीआरपी पहुंच चुके हैं। सीआरपी के हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस। काफी मजा आएगा काशी, क्योंकि एक मोटरसाइकिल हम लोग चार लोग जा रहे हैं जिलेबी खाने के लिए उठा और वहाँ का कुछ वीडियो दिखाने के लिए। तो चलते हैं और खाते हुए वीडियो भी दिखाएंगे हम आपको। देखिए ये है सीआरपी के मुकामा। अभी हर जगह पर जहाँ तहाँ झंडा फहराए जा रहे हैं। जनता लोग बहुत खुश हैं झंडोत्तोलन करके, और हम लोग को भी बहुत खुशी हो रही है कि आखिरी हमारा देश है, जो भारत देश है वो पूरी तरह से कुछ महीने पहले का है यहाँ पर औंटा में जो है शिला उच्च विद्यालय में महायज्ञ हुआ था। करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सीआरपी को पीछे छोड़ चुके हैं। अब पूरी तरह से औंटा के एरिया में आ गए हैं।
अभी हम लोग अंका चौक पर आ चुके हैं जहाँ एक बजरंगबली का हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो गाइस हम लोग बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे देखिए अब दो गाड़ी हो गए। अभी हम लोग मुख्य रूप से औचा क्रॉस करते हुए हम लोग आगे तो हम लोग उतरते हैं यहाँ से। तो गाइस हम चलते हैं अंदर की ओर, चलिए और मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ यहाँ का फ्लो। तो गाइस हम लोग अभी औंटा का सरकारी हाई स्कूल आए हैं जलेबी खाने के लिए। देखिए यहाँ पे गलत चीज ने बोली जलेबी। तो चलिए मैं गेट से एंट्री देता हूँ। मंदिर का नाम भोला स्थान है। बोलिए क्या बोलिए। अभी हम लोग औटा के भोला स्थान मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ का जगह जो है देख करके बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग। और ये जो मंदिर है गंगा जी के किनारे में बना हुआ है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे से। इसके बारे में ये घर लग रहा है गाइस। हाँ ये जो आप देख रहे हैं आप लोग ये एनजीओ के मतलब इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन में ही बना है जो एक ट्रस्ट के अंदर में आता है। और यह देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें सब नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल किया गया है और हाँ इसका बना हुआ सारा डिजाइन बहुत बढ़िया है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अब हम लोग भोला स्थान के मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ का जो बनावट है इसका परिसर जो है बहुत बढ़िया है। इसमें सभी जगह पत्थर लगे हुए हैं। ये यहाँ पर मंदिर का जो है देवता देवी का यहाँ हवन होता है। इसमें आरती के लिए यहाँ पर नगारा लगा हुआ है जो सुबह आरती के समय बजता है। चलिए और आगे भी चलता हूँ आपको दिखाता हूँ आगे का भी और भी हो। अब हम लोग महादेव के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। ये शिवलिंग है महादेव का, हम लोग इनका दर्शन कर लिए हैं। शिवलिंग बहुत बढ़िया लग रहा है देख करके। ये त्रिशूल है
इसमें इनका डमरू भी लगा हुआ है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं चल रहा हम लोग माता पार्वती का भी दर्शन कर चुके हैं। यहाँ देखिए आप लोग भगवान विष्णु का है और माता लक्ष्मी है। ये देख कर भी बहुत बढ़िया लग रहा है, काफी अच्छा लगा गाइस। आप यहाँ के क्या चीज़ है कुछ बताइए यहाँ के बारे में। हाँ हम बताएंगे, हम सब कुछ हम ही सब पूजा करते हैं। बताइए बोलिए बोलिए। मंदिर मतलब पूजा सब हम ही करते शाम से पहले, अगर इन पर फोटो ले लीजिएगा। हाँ देखिए महादेव की पूजा करते हुए अगरबत्ती जला रहे हैं और ग्रामीण यहाँ के ग्रामीण श्रद्धालु हैं। यह मंदिर बहुत बढ़िया है, बहुत प्राचीन है। यहाँ का मान्यता है कि सिर्फ महादेव का दर्शन कर लेने से जो जो मनोकामना होती है लोगों की पूरा हो जाते हैं। ये यहाँ के कुछ और से बात करते हैं। हाँ बताइए यहाँ के कुछ और यहाँ का बहुत बढ़िया है, जो मांगे पूरा करते हैं। यहाँ बहुत भगवान से आशा कर रखा है। ये मंदिर मतलब बहुत पुराना है, हम सब से पहले पुराना है मंदिर। तो यहाँ पे मंदिर कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए? हर जगह से यहाँ पे चलता फिरता है, बहुत दूर दूर से आता है, बाहर से, पटना से, दिल्ली से, हर जगह से आता है, जाता है साधु मतलब। हाँ 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 वैसे महादेव महादेव के बारे में बोला बहुत दयालु बहुत दयालु तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूले। तो मैं आपको वैसे ही मजेदार वीडियो दिखाऊंगा जब तक ये पापा इतना फिर मिलते हैं। कौन सी माता का है? सरस्वती माता। ये सरस्वती माता का मूर्ति आप लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, इनका दर्शन कर चुके हैं। यह मंदिर का बनावट जगह पर यहाँ पत्थर जड़े हुए हैं, मार्बल लगे हुए हैं सभी जगह पर। यह मंदिर जो है गंगा जी किनारे में बसा हुआ बना हुआ है। इस मंदिर का एक ग्राउंड भी है, फील्ड है। मंदिर है कहाँ जमीन है? देखिए यहाँ का कुछ भी ऐसा व्यू है गाइस, फुटबॉल सब होता है। तेजस्वी यादव ना यहीं पर आए थे, चक लगा था ना वहाँ जब। देखिए गाइस का मंदिर है और ये सूर्य मंदिर है। अब हम लोग सूर्य मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लोग सूर्य मंदिर आ चुके हैं। कुमार सर गणेश भगवान है ना? तो गाइस यहाँ पर गणेश जी का है, गणेश जी का मूर्ति है जो दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। क्योंकि आप देख ही रहे, अगर आप लोग नहीं आए हैं तो आप लोग भी जरूर आए घूमने के लिए। औंटा राम टोला, मैं आपको यहाँ का एड्रेस डाल दूंगा गाइस। रास्ता है जाने का अंदर की ओर। यहाँ देखिए मंदिर में बिजली की भी सुविधा दी गई है 24 घंटा। यहाँ इन्वर्टर लगाए गए हैं, मतलब इस मंदिर में बहुत बढ़िया सुविधा दिया हुआ है। सब है बाजा, लाइट साउंड है, सारा भारी हो चुका है। देखिए फिनिशिंग बहुत बढ़िया है। और हम ये कहना चाह रहे हैं मंदिर का जो बनावट है ये बहुत बढ़िया से बनाया गया है। ये क्या चीज का है? सूर्य भगवान। ये देखिए गाइस सूर्य भगवान। और अब हम लोग सूर्य भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जय सूर्य देवता का मंदिर है। इस मंदिर में सूर्यनारायण देव भगवान विराजमान हैं और इनके इनके आसपास में भोले भी हैं। तो गाइस अगर आप लोग यहाँ के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि यहाँ के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे कि ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो और भी इसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ का महत्व और क्या है। तो इसके लिए मुझे चल रहे यहाँ चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको किसी दिन और।
ठीक है अंकल, चलते हैं। ठीक है, मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। मुझे सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बस। ठीक है गाइस, आप लोग सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो गाइस ये देखिए, ये चौक है यहाँ का राम टोला का, यही एंट्री गेट है मंदिर का। तो गाइस सेट भी हो रहा है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। देखिए तो गाइस अब लोग उतर गए, देख रहे हैं आप लोग कितना मजा आ रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं, हमटा गांव से बाहर निकल रहे हैं, आराम से चलना है। नहीं आराम से चालू रहते गाइस। अब हम लोग औंटा गांव छोड़ चुके हैं, अब हम लोग इस एरिया से बाहर निकलते जा रहे हैं। फेमस मंदिर, यहाँ के मंदिर के बारे में हम आप लोग को जानकारी दिए हैं, वहाँ की जनता से, हाँ वहाँ की जनता से जो उसके बारे में जानकारी है, जानकारी दिया गया है, बता रहे थे मंदिर के बारे में, मंदिर के काम के बारे में। वहाँ के वहाँ ऐसा मान्यता है कि जो लोग जो भी मन्नत मांगते हैं उनका मनोकामना पूरा हो जाता है, ऐसा वहाँ का महत्व है, विशेषता है उस मंदिर का। चलिए आपको दिखाते हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप लोग लोकल मकाम आते तो मुझे खुद सपोर्ट करें। यस गाइस, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए मत कीजिएगा, और भी हम आपको इसी तरह के रोचक जानकारी आपको देते रहेंगे। कैमरामैन दलजीत और मेरा नाम अमृत कुमार मोकामा।